हमारे YouTube चैनल सूफी रंग पे आज का जो ब्लॉग वीडियो है ये एशियन पेंट वाल प्राइमर और इमल्सन के बारे में, 1 लीटर वाल प्राइमर में आप कितना पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। तो बहुत से लोग को ये पता नहीं रहता है कि इंटीरियर वाल प्राइमर में कितना पानी मिक्स करते हैं। ये वाल प्राइमर 2 कोट पुटी करने के बाद इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए बताते हैं 1 लीटर वाल प्राइमर में कितना पानी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, 1 लीटर वाल प्राइमर में आपको 1 लीटर वाल प्राइमर में 1 लीटर पानी आप यूज कर सकते हैं, और इमल्सन में आप इमल्सन मतलब एशियन पेंट का ये एस आता है, और ये देखिए आपके सामने ये एपेक्स डस्ट प्रूफ है। तो आप एस एक्सटेरियर इमल्सन में आप 1 लीटर इमल्सन में देखिए यहाँ पे कंपनी के मुताबिक आपको 1 लीटर में मैक्सिमम 750 ml पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही बात एपेक्स की, तो यहाँ देखिए एपेक्स इमल्सन में आप 1 लीटर में 400 ml वाटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही, और आपको बता रहे हैं डिस्टेंपर के बारे में, ये डिस्टेंपर है। आप डिस्टेंपर में, क्योंकि डिस्टेंपर एशियन पेंट का बहुत लो कैटेगरी का पेंट है, इसमें आप 500 ml पानी ही, ज़्यादा से ज़्यादा 500 ml पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा अगर पानी आप मिक्स करेंगे तो ये ज़्यादा पतला हो जाएगा और क्लियर आपको फिनिशिंग नहीं दिख पाएगी। इसलिए आप जब भी अपना मतलब प्राइमर या इमल्सन कोई भी यूज करें तो आप कंपनी की गाइडलाइन के मुताबिक यूज करें। शुक्रिया।